लेकिन रवि का रुख करते हैं। रवि, आपके आसपास भी कोई मौजूद है क्या? कोई निकल रहा है यहाँ से? बातचीत कीजिए अगर संभव है तो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, तमाम विधायकों के निकलने का सिलसिला यहाँ से शुरू है और किशोर उपाध्याय यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी थी, उसके बाद भाजपा के टिकट पर टिहरी से चुनाव लड़े और अपनी जीत दर्ज की है। टिहरी की जनता ने इस बार आशीर्वाद दिया है, अक्सर कह रहे हैं कि टिहरी की जनता के लिए ही काम करना चाहता था। किशोर जी, शपथ लेकर आ गए हैं, किस तरीके से आज एक वादा टिहरी के लिए? जी, शपथ लेकर आ गए हैं, किस तरीके उत्साह तमाम विधायकों में आज? निश्चित रूप से, क्योंकि आज से हम संवैधानिक रूप से जब शपथ लेते हैं तभी विधायक माने जाते हैं, तो इस क्षण से जैसे हमने शपथ ली हम विधायक हो गए हैं। तो उत्साह है, जिसके लिए इतना संघर्ष राजनीतिक सामाजिक जीवन में किया जाता है वो फलीभूत हो तो निश्चित रूप से एक उत्साह होता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देख करके, विशेषकर महिला शक्ति ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वो अभूतपूर्व है। कई मिथक टूट गए, जैसे मिथक था कि नहीं साहब यहाँ तो सरकार जो है रिपीट नहीं होती है, मोदी जी के नेतृत्व में वो मिथक टूटा और दो तिहाई बहुमत से सरकार बनी है, तो आसानी होगी विकास के कार्यों को करने में। राज्य में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, और विशेषकर टिहरी के जो सरोकार हैं उनको हम कोशिश करेंगे उनको जो है सुलझाने का। आप जल जंगल जमीन की अक्सर बात करते रहे हैं, टिहरी की जनता ने आशीर्वाद इस बार दिया है, इस विधानसभा से क्या वादा करने जा रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, जब आप निर्वाचित मंचों पर होते हैं तो जो आपके सरोकार हैं उनको ताकत भी मिलती है और वाणी भी मिलती है, तो उन सरोकारों को लेकर के, और वो खाली यहाँ के सरोकार नहीं है, वो पूरे जो देश ही नहीं विश्व के जो इस तरह से फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, और आज क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा विषय है और जंगल पेड़ उस क्लाइमेट चेंज को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो यहाँ से आवाज़ है, जैसे चिपको एक आवाज़ उठी थी उस तरह से क्लाइमेट चेंज के बारे में वनाधिकार के भी ये जो सरोकार हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आयाम पर जो है अपना स्थान बनाएंगे और हम उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए किशोर उपाध्याय वनाधिकार, जल जंगल जमीन को लेकर अक्सर जो है सुर्खियों में रहे, और अपनी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन ठीक एन चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भाजपा में शामिल हुए, टिहरी से चुनाव लड़े और टिहरी की जनता ने आशीर्वाद भी दिया, आज शपथ ले ली है। इसी तरीके की तमाम, और हम बात करें तो इसी तरीके पूरी जो इस समय विधायकों का जो सिलसिला यहाँ से जाना शुरू हो गया, इसके बाद इसी तरीके की जो गहमा गहमी है वो शुरू होगी भाजपा दफ्तर में। और देखिए, एक हमारे साथ एक विधायक और भी, हम उनसे बात कर लेते हैं। कर्णप्रयाग से जीत कर आए हैं विधायक जी, शपथ ले ली है, कर्णप्रयाग की जनता के लिए क्या वादा करने जा रहे हैं विधानसभा से? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्षेत्र की समस्त जनता का कि इन्होंने तीसरी बार मुझे विधानसभा में भेजा है, और जिस विश्वास और उम्मीद के साथ, आशा के साथ उन्होंने विधायक बनने का एक अवसर मुझे दिया है, निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पर मैं पूरी ईमानदारी से खरा उतरूंगा, ऐसा मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। तीसरी बार विधानसभा जनता ने भेज दिया, अब आपके समर्थक बाहर हैं, मंत्रिमंडल की भी रेस में आपका नाम चल रहा है, आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है कि किसको कहाँ पे जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, तो जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व हमको देगा हमको उसकी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। देखिए, भाजपा में ये एक बहुत अच्छी बात है कि तो तमाम लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है जो तय करेगा उस पर हम काम करेंगे। और देखिए, अभी भी जो सिलसिला है यहाँ से लगातार चल रहा है और तमाम विधायक अब यहाँ से निकल रहे हैं, इसके बाद जो विधानमंडल दल की बैठक है जिसमें भाजपा के 47 विधायक इसमें शामिल होंगे और उसके बाद चयन होगा मुख्यमंत्री का, और यहाँ पर इंतज़ार भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जब यहाँ पर पहुँचेंगी, उस बहुत महत्वपूर्ण बैठक का इंतज़ार भाजपा के तमाम लोगों को भी है और उत्तराखंड की जनता को भी है कि इस बार जो कमान है वो किसको सौंपने इस बार भाजपा जा रही है, जिसमें कई नाम है। अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी को क्या फिर से एक बार रिपीट किया जाएगा या कोई नया चेहरा जो भाजपा इस बार सामने लेकर आएगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए, ये विधानसभा परिसर में हम कह सकते हैं कि हर जगह इसी तरीके की जो चर्चाएँ भी हैं, क्योंकि विधायकों के साथ साथ उनके तमाम समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार यहाँ से जो है अपने समर्थकों के बीच भी बात है कि किस तरीके से आज मुख्यमंत्री का चयन होगा। देखिए, तमाम जो स्वागत है वो भी हो रहा है आपस में, तमाम लोग यहाँ पर एंजॉय। कहाँ से हैं आप लोग? पौड़ी विधानसभा से। तो इस बार क्या सोचकर आए हैं, शपथ तो हो गई या मुख्यमंत्री का चयन भी है? जी,
क्षेत्र का विकास सोच के आए हैं कि क्षेत्र में अच्छे काम करेंगे और जनता की जो इच्छाएं हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करें। आप बताइए, आप पौड़ी से हूँ जी, क्या कहेंगे आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है? जी आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे पास बीजेपी की सरकार आ रही है और नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस बार आप लोगों को जनता ने चुनकर भेज दिया है, तो अपनी जनता से क्या वादा करने जा रहे हैं? वादा करा है मैंने कि जो जो इस समय सरकार बनने वाली हमारी, उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहने वाली है और निश्चित रूप से छोटे से बड़े कार्यकर्ता तक सब जो है खुश हैं कि इस समय हमारी रिपीट हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और निश्चित रूप से विकास अच्छा होगा। जो काम पीछे छूट गए हैं वो पूरे किए जाएंगे और नई नई विकास की योजनाएं जो है। आप लोगों की बैठक होने वाली है, अपने नेता को चुनने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या जिज्ञासाएं हैं? जी जी, ये तो हाईकमान ने तय कर दिया होगा, हम लोगों ने जाना है, हम लोगों के साथ जो विचार विमर्श होगा उसमें बातचीत होगी, उसके बाद ही खुल पाएगा कि कौन है। बिल्कुल, क्योंकि हाईकमान ने क्या तय किया है ये देखना है, और इसके बाद जो है तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने आ जाएंगी कि क्या कुछ हुआ है। और देखिए तमाम अगर हर जगह देखें